भाई समाचार कैरी देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय शर्मा की हाथ जोड़कर राम राम। और आज 58वां हरियाणा स्थापना दिवस है। हमारे साथ हरियाणा की एक ऐसी बेटी है जिसने हरियाणा प्रदेश के साथ साथ दिल्ली प्रदेश का नाम रोशन किया है। हरियाणा की एक बेटी ने हरियाणा से चल करके दिल्ली में अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी हाँ, नीलम कृष्ण पहलवान लगातार 6 बार दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ पार्षद चुनी गई है और अपनी मिलनसारिता को लेकर के वो ना केवल दिल्ली प्रदेश बल्कि हरियाणा प्रदेश में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। नीलम जी राम राम। राम राम, क्या हाल है संजय? मैं ठीक हूँ, सब बढ़िया। आज तो हरियाणा दिवस है जी। बिल्कुल, एक हरियाणा दिवस में एक उमंग, एक उत्साह होता और एक अपनेपन के त्योहार की फीलिंग होती है। और मैं बड़ी खुश नसीब हूँ कि मेरी जन्मभूमि भले ही दिल्ली रही हो लेकिन मेरी कर्म भूमि हरियाणा रही है और हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का आचरण, हरियाणा की बोली मेरे रग रग में समाई हुई है। तो मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। बिल्कुल, देखिए हरियाणवी खुशबू और हरियाणवी रंगत आपको पूरे देश में नजर आवेगी। चाहे बात नीलम जी ने मंच के माध्यम से भी कहा है, मंच पर नीलम जी ने कहा है कि भाई किसान की बात हो, जवान की बात हो, पहलवान की बात हो, गौमाता की बात हो, ये हरियाणा की एक ऐसी पहचान है जो पूरे देश और विश्व में विख्यात है। जी हाँ नीलम जी, हरियाणा के जवान ने, किसान ने, पहलवान ने पूरे विश्व में डंका बजाया है। बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। जो हरियाणा का खान पान है, दूध दही के साथ साथ हरियाणा की बोली, हरियाणा के पहनावा और हरियाणा के जो पहलवान हैं, किसान हैं, किसी भी क्षेत्र में आप बात करें, धार्मिक क्षेत्र में करें, कोई भी एक ऐसा क्षेत्र खानी नहीं है जहां हरियाणा ने डंका नहीं बजाया हो। बिल्कुल, और देखिए हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार तीसरी पे बनी, नीलम जी ने खूब पसीना बहाया, पूरे हरियाणा में घूमी, इब दिल्ली में भी चुनाव है, नीलम जी तो जानेंगे। नीलम जी, पूरे हरियाणा में आप घूमे, इब दिल्ली की बारी है, क्या तैयारी है? देखो संजय जी, बाबा हरिदास के आशीर्वाद से, पूरे नजफगढ़ क्षेत्र के आशीर्वाद से, सभी के आशीर्वाद से जो पार्टी का फैसला होगा उसके लिए हम तैयार हैं और अपने आने वाले चुनाव के लिए हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। बिल्कुल, देखिए भाई आज का दिन हरियाणा के लोगों के लिए खुशी मनाने का दिन है। दूध दही का खाना वो है हमारा हरियाणा प्रदेश। जी हाँ, और आज मोर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है, रगड़िया का प्रोग्राम है, सबको बुला रखा है। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देंगे? देखिए संजय जी, मैं अपनी तरफ से सबसे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक मान जी को, कार्यक्रम के आयोजक राजेश मोर, उनके बेटे तरुण मोर को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ। नीलम जी, हरियाणा वालों के लिए भी कुछ बोल दो, जो हमारा दर्शक जो चैनल देखे उनके लिए नीलम जी क्या कहना चाहती हैं? देखिए हरियाणा वालों के लिए, नजफगढ़ में मैं नजफगढ़ को मिनी हरियाणा बोलती हूँ और जो नजफगढ़ की आन बान शान है वो हरियाणा के लोगों से, हरियाणा की संस्कृति से, हरियाणा का जो खाना है उससे है। तो मैं हरियाणा दिवस पर अपने पूरे हरियाणा को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं देती हूँ। जो अपनी बोली से लेकर अपने भाईचारे तक विश्व में प्रसिद्ध है, इस सांस्कृतिक धरोहर को जो हरियाणा वासी आज भी सजाए हुए है, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। बिल्कुल भाई, खेल खिलाड़ी, खेत खलियान, किसान, जवान और पहलवान, या से हरियाणा की माटी की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, हरियाणा दिवस की राम राम। राम राम जी आपने।